नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, दोस्तों आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं यह तीन लोग। ये दोस्तों अगले 72 घंटे रहे सावधान कि दोस्तों इनका खेल अब खत्म होने वाले हैं। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। इन्हें आप दोस्तों बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, यूँ कहें तो अगर आपके किसी पैर में कहीं कांटा लगा है और यह बात आपको पता नहीं है तो दोस्तों ये आपके सबसे बड़ी समस्या है। और अगर आपको पता चल जाए कि वह कांटा आपके किस जगह है और आप उन्हें निकाल कर फेंक देंगे तो दोस्तों आपका पैर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जी दोस्तों, और इसी प्रकार ये जो व्यक्ति है आप सभी के जुनकाल में बिल्कुल ही कांटे बनकर खड़े हैं, आपके राह के पत्थर बनके खड़े हैं। जी दोस्तों, और इन्हें निकालना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है कि दोस्तों अगर आप इन्हें अपने जुनकाल से निकाल कर फेंक देंगे तो दोस्तों आने वाला भविष्य आपके लिए बिल्कुल ही सुनहरे मौके और खुशियों भरा पल लेकर आने वाले हैं। जी दोस्तों, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें, अंत तक देखें। क्यों दोस्तों, इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि कैसे आप इस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं और अगले 72 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनेगी इनके अनुसार ही आप इन्हें कैसे अपने जुनकाल से निकाल सकते हैं। आखिर आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी होंगी, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ग्रहों की यह बदलती चाल, आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या सुधार, कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखेगा गुरु जी का और अपनी माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपका अपने व्यक्तित्व और फिर रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना मित्रों और फिर सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा। समाज में भी आपकी छवि और अधिक निखरेगी। दोस्तों, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें, साथ ही धोखा हो सकता है दोस्तों, और आप किसी आर्थिक परेशानी में भी इनसे उलझ जाएंगे। भूमि संबंधी जो भी खरीद फरोख्त करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि आपके विचार ही आपके दुश्मन बने रहेंगे। हर किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक होना आपको अपने ही अंदर नकारात्मकता भी दिखा सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किसी भी रिलेशनशिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपको प्रिय व्यक्तियों से दूर कर रहा है। दोस्तों, खुद के द्वारा हुई गलतियों की जिम्मेदारी उठाना आपको यह समय सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम आपको लेना चाहिए। परिस्थिति जो है आपके पक्ष में कार्य कर रही है। दोस्तों, बच्चों की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना भी इसमें घर में मिल सकता है, जिससे उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। साथ ही दोस्तों, किसी अटके हुए काम को पूरा करने में भी इसमें आप सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर लें, बेहतर होगा कि दोस्तों घर के सभी सदस्यों की सलाह आप जरूर ले लें। दोस्तों, पैसे के मामले में किसी भी पर भी यश में विश्वास ना रखें, खुद पर ही और फिर सभी गतिविधियों को आप अपने तरीके से संभालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, जितनी परिस्थिति आपके लिए कठिन लग रही है उतनी कठिनाइयां आपके जीवन में नहीं है, केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए सुनोगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में घर के नवीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। किसी सामाजिक गतिविधियों में भी आपका यश में महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान भी यश में बढ़ने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों अगर घर या फिर वाहन संबंधी खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है। इसके उपरांत दोस्तों यश में परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम या फिर संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें, अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्मचिंतन भी आप इसमें करें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय
आपके शुभ अंक आपको बता दें कि दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर भी यश में प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों अपने द्वारा हुए कामों को, जो भी गलत काम थे आपके यश में, उन्हें ठीक करने की आप कोशिश करते रहें। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये जो समय है आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों पेशे का निवेश करना कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें आपके लिए समय होंगे दोस्तों अपने परिवार के लिए किसी प्रकार के मुद्दे पर विचार विमर्श आपका हो सकता है, तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वजह से उनकी सराहना होगी। भूमि संबंधी कार्यों में भी अगर निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कई दिनों से चल रही है, तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे उस पर तुरंत अमल करें। परिस्थितियाँ आपके लिए यश में अनुकूल रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों जो है अपने स्वभाव या फिर विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान फोकस करें, इसलिए आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समझेंगे, आपको बता दें कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिलने की अपेक्षा रखना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े। दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के प्रति निष्ठा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि यश में बिजनेस में लेन देन के जो समय होंगे पक्के बिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों यश में किसी भी तरह की इंक्वायरी की आशंका बन रही है। रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य ज़्यादा सफल रहेंगे। यश में ऑफिस का माहौल जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में कार्य क्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। दोस्तों बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय की स्थितियाँ धीरे धीरे बेहतर होंगी। थोड़ी सी परेशानी आएगी, परंतु सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे। दोस्तों कार्यस्थल पर स्टाफ की गतिविधियों पर ध्यान देना भी आपके लिए जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिजनेस में अपने लक्ष्य की क्वालिटी को अधिक बेहतर बनाने में आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर भी आपको मिलने की संभावना बन रही है। यह समय मार्केटिंग और फिर संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों आपको बता दें कि ये संपर्क सूत्र आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय अपने व्यस्तम समय में जो है परिवार के लिए कुछ समय निकालना आपसी संबंधों को मधुर रखेगा, तथा परिवार में भी खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। तो दोस्तों जरूर समय निकालें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठाकर रखने के लिए आपको सहयोग आवश्यक है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके यश में लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण सुखमय बना रहेगा, तथा घर के सभी सदस्य आपस में प्रफुल्लित भी तथा खुश रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु घर का माहौल जो है खुशनुमा बना रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से आपका जो स्वभाव है उनमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। दोस्तों मेडिटेशन या फिर योगा करना यश में आपके समस्या का उचित निवारण होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों एलर्जी या फिर खांसी जुकाम की स्थिति रहेगी, लापरवाही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना यश में आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य लिए समय होंगे। खांसी जुकाम और फिर बुखार जैसी परेशानी भी रह सकती है, लापरवाही ना करें तथा उचित इलाज यह समय जरूर लें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य लिए समय होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत तक ठीक होगा, किसी प्रकार की चिंता ना करें, परंतु दोस्तों लापरवाही भी बरतना इसमें आपके लिए उचित नहीं होंगे और इन सभी चीज़ों का ध्यान जरूर रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही बेहतर होंगे। तो दोस्तों यदि ग्रहों की स्थिति, आइए बात करते हैं कि यश आप इस व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ
या जो बातें बताते हैं जिनसे आप उनकी पहचान कर सकते हैं। ये दोस्तों तो आप अपने जीवन काल में अभी ध्यान झांकिए कि दोस्तों कौन आपसे ज़्यादा जलनशीलता की भावना रखता है। वो आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके कोई दोस्तों या फिर रिश्तेदारों में हो सकते हैं। ये दोस्तों उन्हीं में से कहीं आप ध्यान लगाइए कि वह व्यक्ति कौन है जो कि बात बात पर आपका साथ तो रहता है लेकिन दोस्तों पीठ पीछे वे आपके लिए गलत कार्य करते हैं, वे बिल्कुल ही आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की सिर्फ आपको पहचान करना है कि आखिर कौन व्यक्ति जो है आपके सामने तो अच्छे हैं लेकिन पीठ पीछे वे आपकी बुराइयां करते हैं, वे आपके लिए अच्छे व्यवहार पीठ पीछे नहीं करते हैं। तो दोस्तों इनको अपने जीवन काल में आप ऐसे पहचान कीजिए और साथ ही आप इन्हें कैसे अपने जीवन काल से निकाल सकते हैं। ये दोस्तों आपको कोई भी बड़ा कार्य इसमें नहीं करना है इन्हें अपने जीवन काल से निकालने के लिए, बस दोस्तों इनसे आपको दूरी बना लेनी है। ये दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका यह रिश्तेदारों में है तो दोस्तों इनसे आपको बात बिल्कुल ही नहीं करना है। जितना तो हो सके आप अपने कामों में खुश रहें और अपने कार्य को करते रहें और देखिए दोस्तों आपका जीवन देखते ही देखते बदलने वाले हैं और आने वाला भविष्य आप सभी के लिए खुशियों भरा फल रहने वाले हैं। जी दोस्तों तो इस प्रकार इस व्यक्ति की आप पहचान कीजिए और अपने जीवन काल से निकालने के लिए बस आप इसी एक मंत्र का प्रयोग कीजिए। जी दोस्तों और साथ ही और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।